राम राम जी सारे ने मैं तरह साथी मोहित पुनिया तम सारे का जोश टाके यूट्यूब चैनल पर दोपहर के टाइम में पर फिर तो स्वागत करूँ हूँ भाई। मी बरसन लाग रहा है जमाजम 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 और भाई मी बरसदा मौसम का मैं भाई सारे नर और मादा भाई थोड़े से पैनिक सिचुएशन का मैं आ रहे हैं, परेशानी दर्द भरा मौसम का मैं तो देखो भाई क्या कुछ मामला। सीईटी की भाई नई अपडेट आ गई है आज भाई। सुप्रीम कोर्ट का मैं बच्चे ने केस कर रखा था उसकी सुनवाई हुई थी, उसके अंदर क्या डिसीजन आया है, क्या कोर्ट ने भाई आपके जो पॉलिसी है सीईटी की पॉलिसी इसको गलत मान्या है या नहीं मान्या, जो बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं आपके हर एक लिस्ट के अंदर उस रिपीटेशन के ऊपर कोर्ट ने क्या बोलिया है, क्या अब सीईटी भर्ती का भाग्य क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भाई चर्चा करेंगे जो भी आज कोर्ट के अंदर डिसीजन वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर देख लो भाई। जमा विस्तृत तरीके से सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। उससे पहले भाई अगर आप जैसे मान लो अभी सीईटी की तैयारी करने लग रहे हैं और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और आप ये सोचो भाई साथ की साथ मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, मान लो आपने अभी प्लस टू करी है ठीक है और आपने सोचो भाई तीन साल में पेपर की तैयारी कर लूँ ग्रेजुएशन साथ की साथ हो ही जाएगी, तो भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये आपको ये ऑफर प्रोवाइड करने लग रही है। आप घर बैठे ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन होगा, ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी, ऑनलाइन ही पेपर होंगे और डिग्री बन जाएगी आपकी ठीक है। चाहे आप ग्रेजुएशन करने लग रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बी ए बी एस सी बी कॉम एम कॉम एम ए एम एस सी वगैरह वगैरह कुछ भी, खास बात क्या आप जो फीस है फीस भी किस्तों के अंदर दे सकते हो, किस्तों के अंदर भाई जैसे ये फोन आप किस्तों के ऊपर लेते हो मोबाइल गाड़ी इस टाइप से भाई ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी यूनिवर्सिटी वाले आपके पास अपने आप खुद फोन मिला लेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे भाई ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उस फॉर्म को भर देना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NAAC के द्वारा A+ ग्रेड से प्रमाणित है ठीक है, डिस्टेंस और ऑनलाइन से भी UGC से मान्यता प्राप्त है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी, नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं भाई क्या कुछ आज कोर्ट के अंदर रहा है, क्या कुछ मामला रहा है भाई, अब आगे इसका क्या कुछ मैटर है। देखो भाई आपको कंप्लीट की कंप्लीट भाई वकील साहब की बात आपको वही मैं सुनवा दूंगा, टेंशन ना लो। कोर्ट ने फिलहाल आपका यह बोलिया है भाई, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि हां भाई पॉलिसी के अंदर खामी है, यह बात कोर्ट ने स्वीकार करी है कि हां भाई पॉलिसी के अंदर खामी। आपको भी सुनवाता हूं, एक सेकंड रुको, अभी रिकॉर्डिंग ले आया हूँ भाई मैं, आपको रिकॉर्डिंग ही सुना दी जाएगी, एक सेकंड रुको, लो भाई सुन लो। हियरिंग होगी अपने तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे वो भी अपीयर हो गए, सारी आर्ग्यूमेंट रख दी, जैसे सारे फैक्ट बताए, उसके बाद जो जैसे जो जूनियर जज थे उन्होंने ही ज्यादा मतलब इसमें कंसर्न लिया और उनका जो अपनी क्वेरी जो पॉइंट थे वो क्लियरली वो समझ गए और कोर्ट की जो क्वेरी थी वो यही थी कि भाई तुम किस तरीके से कैसे कर रहे हो, सब रिपीटेशन हो रही है कैंडिडेट की, तो अपने फेवर में सारी बात करी। बट इशू ये बना कि नीचे वाली जो कोर्ट है डिविजन बेंच अपने हाई कोर्ट की, उन्होंने ये मैटर डील नहीं कर रखे थे ठीक है अपने ऑर्डर में, और जो अपना डिसमिसल ऑर्डर था पुराना वाला जो 12 मई का था उसमें वैसे ही उस टाइम पे ये मैटर था ही नहीं क्योंकि तब लिस्ट ही नहीं आई हुई थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला है कि भाई तुम जाकर रिव्यू लगाओ पहले और ये अप्राइज करो नीचे वाली कोर्ट को कि ये किस तरीके से ये दिक्कत हो रही है नई वाली, और ऑनरेबल जो डिविजन बेंच होगी वो जो फैसला देगी अगर अपने फेवर में देती है तो वेल एंड गुड, नहीं देती है तो यहाँ चैलेंज करने के लिए बैठी थी कोर्ट में, क्योंकि जब तक नीचे वाली कोर्ट नहीं करती इसलिए तो हमने पहले भी नीचे लगाया था ठीक है। तो अब अपने लिए नीचे गए दोबारा कोर्ट पर रिमांड कर दिया है मैटर कि आप नीचे कोर्ट में जाओ बस, और पॉजिटिवली ही किया है, अदरवाइज नेगेटिव होता तो फिर डिसमिस ही होता, फिर कोई नीचे की लिबर्टी वगैरह नहीं मिलती, बट जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग करा है, थोड़ा सा प्रोसेस में उलझा हुआ है सिस्टम है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि हमारे अगेंस्ट कुछ भी चीज हुई हो, डिसमिस है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे डिसमिस होगा ना, वो थोड़ी अलाउ होगा तो हम जीत गए, डिसमिस इसीलिए हुआ है कि नीचे आप जाओ। सुन गया भाई ये चीजें हुई भाई आज कोर्ट के अंदर। देखो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन बात क्या हुई है। बात ये हुई है भाई, अगर देखो आपको एक थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ उसके बाद आपकी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चीजें ये हैं भाई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी मैटर को लेकर जाते हो तो भाई वो मैटर पहले आपके नीचे वाले जोन से कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच आपकी ठीक है, डबल बेंच भाई, उन दोनों के अंदर भाई ये चीजें आपकी क्लियर हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हो इन चीजों को लेकर तो भाई सुप्रीम कोर्ट पहले ये बोले आप छोटी जो कोर्ट है आपकी हाई कोर्ट और जो सिंगल बेंच और डबल बेंच
बैच आप पहले वहाँ से चीज़ों को क्लियर करवा के लाइए, हाँ भाई वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बाद आप हमारे पास आइए, ठीक है। अब चीज़ें क्या होती थी पहले, जैसे मान लो अगर आप किसी भी पॉलिसी को चैलेंज करते हो तो आप एग्जाम होने से पहले उस पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हो, अगर आप एग्जाम होने के बाद जाते हो तो कोर्ट भी ये बोल देता पहले कहाँ पर थे, पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। अब बच्चों ने क्या, अभी जैसे 56 स्थानों ग्रुप का एग्जाम नहीं है तो उससे पहले ही पॉलिसी को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ भाई हमने देखा है इसके अंदर रिव्यू करा कि बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं, ठीक है भाई कुछ ना कुछ फॉल्ट हो भी सकता है पॉलिसी के अंदर, तो आप ऐसे कीजिए आप जो उनसी डबल बेंच थी ना, मतलब अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा भाई एक डबल बेंच के अंदर एक आपका मैंने बताया था भाई एक जज साहब थे दीपक सिब्बल नाम है शायद जज साहब का, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आप क्यों ना इस पॉलिसी को ही चैलेंज कर दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, याद है मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर ही बताई थी, उन जज साहब ने ये चीज़ बोली थी भाई देखो बच्चे उसको लेकर गए थे ना पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज को लेकर, ठीक है, और वहाँ पर क्या बोले थे जज साहब की पॉलिसी के हिसाब से तो ये सही करने लग रहे हैं, फिर मतलब वकीलों ने ये बताया कि भाई इसके अंदर जो बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं, तब जज साहब ने बोला भाई बच्चे रिपीट होने लग रहे तो आपको पॉलिसी चैलेंज करनी चाहिए थी ना यहाँ पर कोर्ट के अंदर, अब आपने पॉलिसी चैलेंज की नहीं, हाँ भाई पॉलिसी के अंदर ये जो एक क्लोज नाइन है भाई इसके अंदर फॉल्ट है, तो आप भाई उस भी यहाँ पर मैं उसको कैसे डिसीजन दूँ, तो जज साहब ऐसे बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ या कहीं और जाओ भाई वहाँ पर क्या है आप लोग इस पॉलिसी को चैलेंज करो, हाँ भाई इस पॉलिसी के अंदर ये फॉल्ट है बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं कंपटीशन क्यों होने लग रहा है, जज साहब ने वही जो दीपक सिब्बल जो जज साहब है उन्होंने खुद ने स्वीकार करा है भाई इससे रिपीटेशन से कंपटीशन क्यों होने लग रहा है। अब क्या है भाई अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि आप लोग जो जो डबल बेंच था जो दीपक सिब्बल सर वाली जो बेंच थी भाई उन्होंने जो डिसीजन दिया आप वहाँ पर रिव्यू डालो, ठीक है, और हम भी जो ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से आप उसके अंदर रिव्यू डालो, उस रिव्यू के अंदर ये चीज़ डालो कि हाँ भाई इस तरीके से अब तो लिस्ट भी आएगी बच्चे रिपीट होने लगे और हम इस पॉलिसी को चैलेंज करने लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी तब भी वहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होती, मान लो डबल बेंच के अंदर अगर आप हार भी जाते हो किसी कारणवश, ठीक है, वैसे तो हारने के चांस भाई हो तो देखो भाई जिस जज साहब ने खुद ने ये सजेशन दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ पॉलिसी को चैलेंज भाई वो साहब तो पॉलिसी सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। अब डबल बैच के अंदर देखते हैं क्या कुछ मामला हुआ, बच्चे कहने लगे 16 तारीख को हम लोग याचिका लगाएंगे, ठीक है, डबल बैच के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, तो भाई अब अगर डबल बैच अगर सुनवाई करती है, ठीक है, तो अच्छी बात है रिव्यू के लिए डालेंगे बच्चे, और रिव्यू अगर हो भी जाती है और उसके अंदर बच्चों के पक्ष में मामला आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो ये बच्चे वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए मतलब इनको आज़ादी मिल जाएगी, मतलब ये दिक्कत नहीं आई, कल को कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि भाई हाँ भाई आपने पहले पॉलिसी चैलेंज नहीं की थी, एग्जाम होने के बाद आप करने लग रहे हो, ठीक है। तो भैया ये सारा का सारा मैटर है, कुल मिला के बात वही है, सारा मामला उलझ पुलझ हो रहा है, ठीक है। और भाई ये चीज़ें भाई देखो अभी सरकार है, सरकार चलने लग रही है फुल स्पीड से, और चले भी गई भाई क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब की बार इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, और उस चक्कर में भाई हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर भी साथ में ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर वालों के साथ, आई चीज़ें समझ में, तो भाई हरियाणा के अंदर भी आचार संहिता जल्द ही लगने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा अखबारों के अंदर भी दिखाया गया कि 25 अगस्त के आसपास या 30 अगस्त के आसपास भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसा अखबारों में दिया जाने लग रहा है भाई, ठीक है। तो भाई उस चीज़ के व्यापार भाई सरकार को जल्दी ताकि जल्दी जल्दी बरते हो, इसी कारण तो आज हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट भी जारी करी गई है भाई, 20 अगस्त को आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें अभी फास्ट गति से चलेंगी, आपका एग्जाम भी जल्दी होगा, आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी, तो आप उस हिसाब से अपने पेपरों की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे पॉलिसी चैलेंज करने लग रहे हैं वो अपना काम करने लग रहे हैं, आप तैयारी करने लग रहे हो, आप अपना काम करो, सभी साथी अपना अपना काम करने लग रहे हैं, ठीक है। आप अपने भी पर अपना 100% दो, पॉलिसी चैलेंज करने वाले अपने भी पर अपना 100% देने लग रहे हैं, जो चीज़ गलत होगी जज साहब डिसाइड करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, जो चीज़ सही होगी भाई वो चीज़ सही भी मानी जाएगी, भगवान भी है कहीं पर गलत तो होने देगा नहीं, ठीक है, और जज साहब भी हैं भाई, एक कोर्ट नाट देगा, आगे सुप्रीम कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस तक की बेंच है, तो भाई सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहेंगी समय अनुसार, तो टेंशन मत लीजिए, अपने आराम से पढ़ो, तैयारी करो, मेरी मानो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, बेस्ट रहेगा, यहाँ पर रहोगे तो ऐसे उलझे रहोगे, ना इधर के बचोगे ना उधर के, ऐसे ही डोल मोल सिस्टम होता रहेगा, ठीक है भाई। अपना बारिश का मौसम, बढ़िया पकौड़े बनाओ, ब्रेड पकौड़े खाओ, नहीं और कोई ऐसे सिंपल बेसन वाले पकौड़े खाओ, और अपना पूड़े तारो और सारा सिस्टम का लाल मिर्च की चटनी लगा के चैट जाओ सारा सौदा ना, ठीक है भाई, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट, पढ़ लो।